आयुर्वेद में स्वस्थ की परिभाषा एक हेल्दी डेफिनेशन दी गई है कि आपकी धातु दोष मल और अग्नि साम्यावस्था में रहे या बैलेंस फॉर्म में रहें तो वो ही स्वस्थ कहा जाता है, वो पुरुष स्वस्थ कहा जाता है। और ये ही हैं बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा, दोष धातु अग्नि और मल। आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड MD इन आयुर्वेदा। आयुर्वेद में बेसिक्स जो बताए गए हैं वो है दोष धातु अग्नि और मल। दो सबसे इंपॉर्टेंट बताए गए हैं जो तीन तरीके के होते हैं, जिसे हम त्रिदोष भी कहते हैं, वात पित्त एंड कफ। बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो त्रिदोष के द्वारा ही की जाती हैं, त्रिदोष से ही की जाती हैं। मैं जो भी इस वीडियो में बताऊंगा वो इस लैंग्वेज में होगा कि सबको समझ में आए, सबके लिए ईजी रहे, तो सब इसको समझ पाए आराम से। तो जो त्रिदोष होते हैं वो होते हैं वात पित्त एंड कफ। हर चीज दुनिया में जो भी चीज बनी है हमारी बॉडी में या बॉडी के बाहर, वो सब पंच महाभूतों से बनी है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है त्रिदोष। और त्रिदोषों में वात पित्त एंड कफ, वात जो है वो आकाश और वायु से मिलकर बना है, पित्त जो है वो अग्नि और जल से मिलकर बना है, कफ जो है वो जल और पृथ्वी से मिलके बना है। ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन से हैं। ये तीन प्रकार की एक एनर्जीज हैं, एक शक्ति हैं जो हमारे शरीर में रहती हैं और सभी काम करती हैं। जो वात है, वात हमारी बॉडी के अंदर सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जो भी हमारी मूवमेंट्स हैं, चलना फिरना काम करना, बॉडी के अंदर की जो मूवमेंट्स हैं, बॉडी के बाहर की जो मूवमेंट्स हैं, वो सारा काम होता है वात के द्वारा। सेकेंड आता है पित्त। पित्त हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, जो भी फिजिकल या मेटाबॉलिक या कैटाबॉलिक या केमिकल चेंजेस जो भी होते हैं वो होते हैं हमारे पित्त के द्वारा। कफ जो होता है, कफ एक श्लेष्मा के समान होता है, चिकना रहता है, चिपचिपा रहता है। इसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना, बाइंड करना, कवरिंग प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये काम होता है कफ का। तो ये तीन बेसिक्स हैं आयुर्वेद के, वात पित्त एंड कफ, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन अगर हम कह रहे हैं कि ये शक्तियां हैं, ये हमारी बॉडी के एनर्जीज हैं, तो इन्हें त्रिदोष क्यों कहा जाता है? ये बहुत कॉमन एक क्वेश्चन रहता है। त्रिदोष इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हैं वात पित्त कफ, अगर ये नॉर्मल एक बैलेंस वे में रहते हैं, बैलेंस फॉर्म में रहते हैं, साम्यावस्था में रहते हैं, तो बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, कोई डिजीज क्रिएट नहीं होती। बट अगर ये इम्बैलेंस्ड फॉर्म में हो जाते हैं, इनका जो बैलेंस रहता है, वात पित्त कफ का एक रेशियो रहता है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है किसी की बॉडी में, इधर थ्रू लाइफस्टाइल, किसी की लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, डाइटरी हैबिट्स बहुत ख़राब है, उसकी वजह से अगर इम्बैलेंस होता है तो डिजीजेस क्रिएट होती है, और ये डिजीज क्रिएट करने का काम ही दोषों का होता है। तो इसलिए इन्हें त्रिदोष कहा जाता है या इन्हें दोष बोला जाता है। इसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी बॉडी में नॉर्मल रखने के लिए, हमारी बॉडी के एक्टिविटीज नॉर्मल रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है अग्नि, या जिसको हम डाइजेस्टिव फायर बोल सकते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी हमारा खाना हमारे स्टमक में जाता है, हमारे आमाशय में जाता है, और उसका वहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग वो डिवाइड होता है। आयुर्वेद में अग्नि 13 प्रकार की बताई गई है, जो कि है जठराग्नि, जो सबसे मेन है, जो हेड है, जो सारी अग्नि को कंट्रोल करती है। फिर आती है भूताग्नि, जो पंच महाभूतों को एसिमिलेट करती है, मेटाबोलाइज करती है, उनको डिवाइड करती है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी में। उसके बाद आती है धात्वाग्नि, जो धातु के अकॉर्डिंग, जो धातुएं बनते हैं जिसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर उसमें एक्टिविटीज करती है। तो अग्नि इंपॉर्टेंट है, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको नॉर्मल रखने के लिए, अच्छा डाइजेशन करने के लिए, बॉडी के अंदर एब्जॉर्व करने के लिए अग्नि इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर भी बोल सकते हैं। मॉडर्न में हम इसको डाइजेस्टिव एंजाइम से कोरिलेट कर जा सकता है इसको, कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम से। तो जब तक ये आपकी अग्नि ठीक नहीं होगी, अगर आपकी, और आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है या अग्नि ठीक नहीं है, तो वो आपकी बॉडी में डिजीजेस क्रिएट करेंगे। अगर आपका पेट ठीक है तो आपको रोग भी नहीं होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अग्नि भी सामान्य रहना या एक नॉर्मल लेवल में रहना। थर्ड पॉइंट आता है धातु। धातु हमारी बॉडी में 7 प्रकार की बताई गई हैं। धातु का मतलब एलिमेंट्स नहीं है जो हम पढ़ते हैं, धातु है जो हमारे शरीर को बनाने में हेल्पफुल चीज़ें होती हैं। ये 7 होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा एंड शुक्र। ये जो धातुएं रहती हैं, ये हमारी बॉडी में ब्लड लेवल से लेके मसल्स फैट
बॉडी ऑर्गन्स, इन सब को क्रिएट करने में हेल्पफुल रहती है, और यही है जो हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बनाती है, चाहे हमारी बोन्स हो, चाहे हमारा बोन मैरो हो, ये सारी चीज़ें धातुओं के द्वारा ही बनाया जाता है और धातु ही इसको बैलेंस रखती है। और इसी के बीच में वो धातुआग्नि होती है जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया था, जो इनके कन्वर्जन में हेल्प करती है। तो धातु हमारी बॉडी को एक अच्छा स्ट्रक्चर देने के लिए, नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर देने के लिए, हेल्दी रहने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा मल। मल वो चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हम रिमूव करते हैं, जो हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो इन अ फॉर्म ऑफ मोशन या फीसिस, या जिसको हम मल भी बोलते हैं। सेकेंड आता है उसमें हमारा मूत्र, जिसे हम यूरिन बोलते हैं। एंड थर्ड इज स्वेद या हमारा स्वेटिंग। इनके थ्रू ही है जो बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं या अनवांटेड प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी से रिमूव होते हैं। ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इनका बनना भी नॉर्मल ज़रूरी होता है। तो बॉडी में बैलेंस रखने के लिए आपका नॉर्मल मोशन होना ज़रूरी है, यूरिन होना ज़रूरी है, स्वेटिंग होना ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा किसी को मोशन होता है तो वो भी प्रॉब्लम है, और बिल्कुल भी नहीं होता है तो वो भी बहुत प्रॉब्लम है। आजकल बहुत कॉमन हो गया है कॉन्स्टिपेशन होना, लूज मोशन होना, स्टमक के इश्यूज होना बहुत कॉमन हो गया। IBS बहुत कॉमन है, GERD बहुत कॉमन है, बहुत सारे स्टमक इश्यूज आजकल कॉमन है, तो इसलिए मल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है यूरिन। यूरिन में की प्रॉब्लम से अगर बहुत ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो दिक्कत है, जैसे डायबिटीज़ की कंडीशन में, रीनल स्टोन की कंडीशन में, बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, UTI हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम में हो सकता है या बाकी दिक्कतों में भी हो सकता है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बेसिक मैंने आपको बताया, दोष, धातु, मल और अग्नि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम चारों चीज़ों को बैलेंस रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ही आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है। और आयुर्वेद सबसे पहले यही बोलता है कि आपको अपनी बॉडी को पहले स्वस्थ रखना है। अगर आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहें, और अगर कोई डिजीज़ है तो उस डिजीज़ को ट्रीट करना है। स्वस्थ रहने के लिए भी आपको इन बेसिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर डिजीज़ कंडीशन आ गई तो इन्हीं को ही बैलेंस करना ज़रूरी है, जिसमें त्रिदोष जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं। तो इनको बैलेंस रखने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना चाहिए, आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए, एक फिक्स टाइम होना चाहिए जिस टाइम आप खाना खाते हैं, प्रॉपर वे में खाना खाना चाहिए, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, अच्छी स्लीप लेनी है, अच्छा नींद आपको आनी चाहिए, टाइम से ले होना चाहिए, ये नहीं कि आप सुबह 5 बजे सो रहे हैं और 12 बजे उठ रहे हैं तो वो अच्छी स्लीप नहीं है, जो आइडल टाइम है उस टाइम सोना चाहिए। तो आप इन चीज़ों को करते हैं तो ये आपकी बॉडी को बैलेंस रखेगा, आपके दोषों को बैलेंस रखेगा। अगर इम्बैलेंस आता है तो वो डिजीज कंडीशन स्टार्ट होती है। एंड यू कैन स्टार्ट योर आयुर्वेदा जर्नी, हेल्दी जर्नी विद तुलसी आयुर्वेदा। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप फॉलोइंग तुलसी आयुर्वेदा। थैंक यू सो मच।